सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी MCQs होते हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर NCERT का लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शंस पढ़ लेना, ठीक। तो इंट्रोडक्शंस में क्या कहा जा रहा, पहले हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेते, उसके बाद हम लोग समझेंगे इसका मतलब क्या होता। तो चलिए देखते हैं। एज यू आर अवेयर, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विवीपैरस, ठीक। ह्यूमन क्या है, विवीपैरस रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड, तो क्या क्या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, गैमेटोजेनेसिस होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, इंसेमिनेशंस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशंस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, गेस्टेशन पीरियड होते हैं, और फिर पार्चुरेशंस। तो ये हम लोग को क्या करना है कि 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 इवेंट के बारे में जानना है। तो पहले ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे लेक्चर को लेकर के। तो चलिए पहले हम लोग को इसमें क्या जानना है ये देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं ह्यूमन क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग क्या है, ह्यूमन जितने भी हैं वो क्या करते हैं कि रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सेक्सुअली, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और इसमें 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कितने पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। आया समझ में? तो 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो विवीपैरस का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली बर्थ दें अपने चाइल्ड को, गिव डायरेक्टली बर्थ टू देयर चाइल्ड। लेकिन एक ओवीपैरस होते हैं जिसमें क्या होता है कि पहले एग बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है, तब उसमें से चूजा निकलता है। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, डायरेक्ट बर्थ होता है। यानी जितने भी मैमल्स होते हैं ना, सब में क्या होता है, पहले उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट बेबी को ही जन्म देता है। तो चलिए इसमें हम लोग 5 टॉपिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो गैमेट का फॉर्मेशन, अब मेल में क्या गैमेट बनता है आपको बता दें, मेल में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, मेल में स्पर्म बनता है, ठीक। और फीमेल में क्या बनता है, फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या बनता है, ओवम बनता है, ठीक, समझे। तो ये स्पर्म और ओवम दोनों के दोनों सिंगुलर है, ठीक, समझ में आया। तो ये हम लोग समझ गए, आया समझ में। फिर इसके बाद गैमेटोजेनेसिस हम लोग को समझ में आ गया कि गैमेट बनने का प्रोसेस, मेल में क्या होते हैं स्पर्म होते हैं, फीमेल में क्या होते हैं ओवम होते हैं। और दूसरी बात होता है, अब गैमेट बना तो उसको ट्रांसफ़र भी तो करने का ज़रूरत है। अब ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होता है कि एक ऑर्गन्स होते हैं, ठीक, एक एसेसरी ऑर्गन होते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म को डालेगा, जिसको क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। तो इंसेमिनेशन क्या है, इंसेमिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच स्पर्म इज ट्रांसफर टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक। यानी कि फीमेल जेनिटल ट्रैक में अगर स्पर्म को डाला जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। कुछ इसका आर्टिफिशियल प्रोसेस भी होता है और नेचुरल प्रोसेस तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरकोर्स है, आया समझ में। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, एग प्लस स्पर्म बराबर फर्टिलाइजेशन हो गया, आया समझ में। तो एग प्लस स्पर्म इज इक्वल टू फर्टिलाइजेशन, आया समझ में। तो इधर से ऐसे करके ये स्पर्म गया और इधर ओवम बैठा हुआ, तो इसमें गया और इन कर गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, आया समझ में। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, एग मिला, एग और स्पर्म मिला, हुआ क्या, फर्टिलाइजेशन, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, ठीक ना। और रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट में हम लोग को क्या मिला, जायगोट, है ना। तो जायगोट मिल गया, आया समझ में। तो यानी कि जायगोट क्या है, कम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हमें क्या मिला, जायगोट मिला, आया समझ में। तो आगे देखिए क्या करते हैं, अब देखिए जायगोट, ये जायगोट बना, ये जायगोट है, अब इसमें क्या होता है कि डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। तो पहले 2 भाग में बांटा, फिर ये 4 भाग में बांटा, फिर ऐसे ऐसे करके 4 जो बना था
अब ये ऐसे करके बटेगा, तो ऐसे ऐसे करके होता है, डिवीज़न होता है, तो इसको कहते हैं माइटोटिक डिवीज़न होता है। तो इस डिवीज़न के दौरान इसका अलग अलग नाम होता है, ठीक। तो इसमें ये है, इसको जो पहला डिवीज़न है इनिशियल डिवीज़न स्टेट को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है कि जब सेवन स्टेज का हो जाता है, जब जायगोट सेवन स्टेज का सेवन सेल स्टेज हो जाता है, तो वो इम्प्लांटेशन के लिए कहाँ चले जाता है, यूट्रस में चला जाता है। और यूट्रस का कोई भी वाल से क्या होता है कि इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस का किसी वाल में जाके धस जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ऐसे यहाँ से क्लियर हो गया आपका सब चीज़। और उसके बाद क्या होता है, अब देखिए जैसे इम्प्लांट हुआ तो उधर से क्या होता है कि यूट्रस से मदर का ब्लड के थ्रू सब चीज़ सप्लाई होता है, न्यूट्रिशन एयर सब चीज़ का सप्लाई हो जाता है, ठीक ना, सब चीज़ का सप्लाई होने लगता है। तो ऐसे क्या होता है, फिर बच्चे डेवलप्ड होने लगते हैं, एम्ब्रायो डेवलप्ड होने लगते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब क्या होता है कि ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, 9 मंथ का होता है, 9 मंथ और 280 डेज या फिर 38 वीक, कितना दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है, यानी प्रेगनेंसी पीरियड। आया समझ में, जैसे इम्प्लांट हुआ तो वहाँ से प्रेगनेंसी कहला जाएगा, और यहाँ से हम लोग का, यहाँ से क्या होता है, ह्यूमन का गेस्टेशन स्टार्ट हो जाता है। अब गेस्टेशन का जैसे ही 9 मंथ पूरा हो जाता है, तब फिर क्या होता है, बच्चे का जन्म होना होता है, डिलीवरी होना होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड इज नॉन एज पार्चुरेशन। तो यहाँ तक आया समझ में आपको। अब देखिए क्या कहा जाता है, यू हैव लर्न दैट रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर्स एट प्यूबर्टी। तो आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है स्टार्ट होने लगते हैं प्यूबर्टी में, ठीक ना। तो प्यूबर्टी से क्या होता है कि मेल में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, और फीमेल में क्या होता है, एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। आपको पहले भी बताए थे क्या कि एग जो है फीमेल में पहले से होता है, बाय बर्थ होता है, ठीक ना, और बस उसका मैच्योरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो चलिए अब क्या कहते हैं, तो यानी प्यूबर्टी एक रिमार्केबल चेंजेस है जिससे पता लगता है कि, मतलब एक रिमार्क करता है कि हम रिप्रोडक्टिव इवेंट में जा रहे हैं, ठीक ना, रिप्रोडक्टिव पीरियड में हम लोग इन कर रहे हैं, ठीक। आया समझ में। तो अब देखिए, और ढेर सारा डिफरेंस देखने को मिलता है इस एज में, इस स्टेज में मेल और फीमेल के बीच में, ठीक। तो अब स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। तो अब देखिए स्पर्म का मैच्योरेशन जो है, अब स्पर्म का फॉर्मेशन जो है मेल में पूरा लाइफ टाइम तक होता है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ घट जाता है, लाइफ टाइम तक होता है लेकिन स्ट्रेंथ की बात करें तो वो घट जाता है, ठीक ना। लेकिन फीमेल में क्या होता है, तो जैसे स्टार्ट होता है ओव्यूलेशंस, तो जैसे कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, मेन आर्क कहते हैं, और फिर जैसे ख़त्म हुआ उसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का पॉज हो जाना, रुक जाना, मतलब कम्प्लीटली रुक जाना। तो ये कब होते हैं फीमेल में, 45 to 50 ईयर्स का एज में होता है, का एज में होता है। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या कहा जा रहा है कि देखिए क्या कहा जा रहा है, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज इन वोमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो देख लीजिए वही कहा जा रहा है यहाँ पर, लेट्स एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो अब हम लोग को क्या करना है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, लेकिन हम इसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है इसका कुछ MCQs करेंगे जो कि आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ही क्या कहते हैं, फ़ायदेमंद साबित होने वाला। इससे पहला लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो उसमें हमने डिटेल में पढ़ाया है, तो वो जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के। अब क्या है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। तो क्या होता है कि जैसे कि ये बॉडी है, ठीक, तो ये रीजन क्या होता है आपका, पेल्विस रीजन कहलाता है। तो इस रीजन में आपका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक ना, मेल हो या फीमेल हो दोनों में क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहीं पर होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहीं पर होते हैं। आया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स टेस्टिस अलोंग विथ एसेसरी डक्ट ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अब देखिए मेल में क्या होते हैं, एसेसरी टेस्टिस तो हो गया, टेस्टिस को हम कहेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फिर जैसे कि पेनिस सब हो गया, ये सबको क्या कहेंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और एसेसरी डक्ट कहने का मतलब हुआ कि वो डक्ट जो क्या करे, स्पर्म को
ट्रांसफ़र करें या फिर लेकर के जाएँ यूरेथ्रा के थ्रू फीमेल जेनिटल ट्रैक में, तो उसको हम क्या कहते हैं एसेसरी डक्ट। इसमें ढेर सारे डक्ट आते हैं। और एक्सटर्नल जेनिटल या किसको कहेंगे, वो आपको क्या हो गया कि स्क्रोटल सेक हो गया, ठीक, स्क्रोटल सेक हो गया, फोरस्किन्स ऑफ पेनिस हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं एक्सटर्नल या फिर पेनिस, इसको एक्सटर्नल जेनिटलिया में काउंट करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कहते हैं, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस कहाँ होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, जिस एक पाउच में होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं स्क्रोटल सेक कहते हैं। अब स्क्रोटम क्या करता है, हेल्प इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर्स ऑफ टेस्टिस। कितना टेम्परेचर लो होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम लोग का 35 डिग्री टू 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं, है ना, इतने होते हैं, आया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, क्यों ये टेम्परेचर कम होता है टेस्टिस का, क्योंकि ये नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस में बहुत मदद करता है ये टेम्परेचर। यानी कि बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के बराबर अगर टेम्परेचर रहेगा तो फिर क्या होगा कि ये स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और बढ़िया से मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा। अब क्या कहते हैं, इन एडल्ट इस टेस्टिस इज ओवल इन शेप। टेस्टिस कैसा होता है, ओवल शेप का होता, लेंथ कितना होता है 4 to 5 सेंटीमीटर का होता, विड्थ की बात करें तो वो कितना होता है 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है। और टेस्टिस इज कवर्ड बाई डेंस कवरिंग, और टेस्टिस जो होता है कवर्ड होता डेंस कवरिंग से। और इस प्रत्येक टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस के अंदर ऐसे करके कितने होते हैं 250 to 300 लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स का मतलब होता है कंपार्टमेंट, ठीक ना। और इच लोब्यूल्स में कितने होते हैं, 3 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं, इच लोब्यूल्स कंटेन 3 हाईली कॉइल्ड, यहाँ पर आपका एनसीईआरटी 3 बोलता है लेकिन कितने होते हैं 3 to 4 होते हैं। तो 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और 3 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं विच इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। तो यानी सेमिनिफेरस में स्पर्म बनते हैं। इच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन ऑन इट्स इन साइड बाई 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, ठीक, एंड मेल जर्म सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, स्पर्म का नोरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म को नोरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, समझ में आया। तो मेल जर्म सेल्स अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। अब मेल जर्म सेल्स जिसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं या फिर जर्म सेल्स कहते हैं, ये क्या होता है, इस पर मियोटिक डिवीजन होते हैं, यानी रिडक्शनल डिवीजन होते हैं, ठीक है ना, फाइनली लीडिंग, और इससे क्या होता है कि हम लोग का स्पर्म बन जाता है, फाइनली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। व्हाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल द इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। तो अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाले जगह में क्या होते हैं, बाहर वाले जगह को हम क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं या फिर लीडिंग सेल्स कहते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स सब रहते हैं, नर्व सेल्स रहते हैं, ढेर सारा चीज़ रहते हैं, ठीक। तब लीडिंग सेल्स मेनली क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, ठीक, या एंड्रोजन कहते हैं, तो जैसे क्या टेस्टोस्टेरोन होते हैं ह्यूमन में, ठीक ना। अदर इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, तो यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड। अब मेल सेक्स एसेसरी डक्ट क्या क्या होते हैं, रेटी टेस्टिस होते हैं, वास एफरेंशिया होते हैं, एपिडर्मिस होते हैं, वास डिफरेंस होते हैं, आया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, द वासा इफरेंसिया। देखिए ये प्लूरल है, इफरेंसिया, अगर हम सिंगुलर करें तो इसको वास इफरेंस कहते हैं। लिव टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडर्मिस, यानी वास इफरेंस क्या होता है, ओपन होता है आपका एपिडर्मिस में, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इच टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस के पीछे होता है, ठीक ना, समझ में आया। एपिडर्मिस कहाँ होता है, टेस्टिस के पीछे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। द एपिडर्मिस लीड टू वास डिफरेंस, अब एपिडर्मिस फिर आगे चल के वो वास डिफरेंस बन जाता है, एसेंट टू द एब्डोमिनल लूप्स, फिर एब्डोमिनल लूप में कवर हो जाए, अंदर चले जाता है, एंड ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से आता है ये कहाँ पर, आपके यूरेथ्रा में। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स, अब देखिए ये सेमिनल वेसिकल्स का डक्ट में मिलते हैं, ओपन इनटू यूरेथ्रा एज एजेकुलेटरी डक्ट, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिला, देख लीजिए ये टेस्टिस के पीछे से निकला,
ठीक। और इसके बाद ये यहाँ तक था एपिडर्म, ये रेटिनोसिस था, अब ये एपिडर्मिस, ये वास डिफरेंस डिफरेंस। अब वास डिफरेंस देखिए यहाँ पर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिला, फिर यहाँ पर आके एजेकुलेटरी डक्ट में खुलेगा, और फिर यहाँ सिर्फ यहाँ आके यूरेथ्रा में खुल जाएगा। आए समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब इट रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज एजेकुलेटरी डक्ट। दीज डक्ट स्टोर्स एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। अब यह क्या करता है कि स्पर्म को कुछ देर के लिए स्टोर करता है, फिर ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक ना, बॉडी से बाहर। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटर्स। यानी कि अब देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है आपका, अब यहाँ से यूरेथ्रा निकलता है और फिर बाहर की तरफ खुलता है, तो इस जगह को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटर्स कहते हैं। आया समझ में? तो इसी में हम लोग का क्या मिल जाता है, ये कोडसम मिल जाता है, स्पर्मेटिक कोडसम मिल जाता है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये देख लीजिए स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होते हैं। ये रहा इंटरस्टिशियल सेल्स, अब ये देख लीजिए ये सभी के सभी आपके क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, जिसको हम लोग जर्म सेल्स कहते हैं। अब फिर इससे स्पर्मेटोजोआ बन रहा होता है, देखिए स्पर्म बन रहा होता है इस प्रोसेस का ये, और ये देखिए इस बीच में सर्टोली सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ ये देख लीजिए, ठीक ना, जो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पेनिस इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, तो हम बोले थे पेनिस क्या था, एक्सटर्नल मेल जेनेटिलिया है, ठीक ना। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस। ये थ्री टाइप्स के स्पेशल टिश्यू से होते हैं, बने होते हैं, जो क्या होते हैं पेनिस को इरेक्ट होने के लिए में मदद करते हैं और फिर इंसेमिनेशन में मदद करते हैं। तो क्या है तीन टिश्यू आपका, कॉर्पस स्पॉन्जियसम का दो होते हैं, फिर कॉर्पस कैवर्नोसम होते हैं। आए समझ में? चलिए, और उसके ऊपर क्या होते हैं, स्किन का लेयर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोर स्किन। ये लूज फोल्ड होते हैं, ठीक, लूज स्किन होते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो देखिए कितने ग्लैंड्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड एक दो तीन एक चार, चार ग्लैंड्स होते हैं, सॉरी तीन ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। सिक्रेशंस ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। अब इसका सिक्रेशंस में क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा होते हैं, जिसमें कि फ्रक्टोज और कैल्शियम बहुत और कुछ एंजाइम्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। दिस सिक्रेशंस ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो ये बल्बो यूरेथ्रल का जो ग्लैंड का जो सिक्रेशंस होता है क्या होता है, पेनिस का लुब्रिकेशन में मदद करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, आ समझ में, कॉपर्स ग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब रहा हम लोग का क्वेश्चन सेशंस। तो चलिए क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है, द इलास्टिक टिश्यू विच कनेक्ट द काउडा एपिडर्मिस टू स्क्रोटल सैक। अब देखिए अब क्या कहते हैं, काउडा एपिडर्मिस को स्क्रोटल सैक से कौन जोड़ता है, यहाँ पर है आपके ऑप्शन में क्या है, सबसे पहला है कैपट एपिडर्मिस, स्क्रोटल लिगामेंट, गुबर्नेकुलम और टेंटिनियस कोड। तो इसमें क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है गुबर्नेकुलम होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पर्मेटिक कोड, यानी स्पर्मेटिक कोड के कॉन्ट्रैक्शन से द टेस्टिस ऑफ मैन आर नॉट टेकन टू द एब्डोमिनल कैविटी ड्यू टू दिस सिक्रेशन दिस स्ट्रक्चर। अब कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके वजह से क्या होता है, स्पर्मेटिक कोड में अगर कंट्रैक्शन हो तो टेस्टिस एब्डोमेन में नहीं जाता है, ये फैट बॉडीज एंड गुबर्नेकुलम प्रेजेंट ओवर द टेस्टिस ये है, या फिर अटैचमेंट ऑफ टेस्टिस बाय गुबर्नेकुलम टू द सेक्रल स्क्रोटल सैक ये है, या फिर नैरोनेस ऑफ इनग्वाइनल कैनाल ये है, या फिर बोथ ए एंड बी। तो अब बताइए कौन सा होगा, बी एंड सी, तो बताइए कौन सा होगा। तो मेरे तरफ से आंसर क्या है, बी है, क्यों, गुबर्नेकुलम क्या होता है टेस्टिस को होल्ड करके रखता है स्क्रोटल सैक से, जिससे कि टेस्टिस नहीं खिंचाता। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस आर लाइंड बाय। तो अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ रहे थे हम लोग, टेस्टिस का जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, तो इसका इनर लाइनिंग जो होते हैं वो क्या चीज़ से लाइंड होते हैं बताइए, ये जो होता है ये क्या चीज़ है, तो हम बोलेंगे क्या, ये जर्मिनल एपिथेलियम से होता है, ठीक, जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको हम क्या कहते हैं स्पर्मेटो
गोनियम, क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चार नंबर क्वेश्चन क्या करता, दी सेल्स ऑफ टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, कौन सा सेल जो है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता, सर्टोली सेल, जर्मिनल सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, सेल्स ऑफ लेडी और इंटरस्टिशियल सेल्स, या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो कौन होगा? तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा सी। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है देर इज कनेक्टिव टिश्यू कोड एक्सटेंडिंग बिटवीन द टेस्टिस एंड एब्डोमिनल वॉल नॉन एस। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ कनेक्टिव कोड होते हैं जो क्या करते हैं, किसके किसके बीच में आते हैं, टेस्टिस और एब्डोमिनल वॉल के बीच में आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऐसे कोड का नाम क्या कहते हैं हम, ये मेसेंट्रिक कोड है, गुबर्नेकुलो कोड है, या फिर टेस्टिस कोड है, या फिर स्पर्मेटिक कोड है, तो बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पर्मेटिक कोड। आया समझ में, क्या है, स्पर्मेटिक कोड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, विच ऑफ दीज इज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन मेल मेमल्स, तो कौन सा है एसेसरी रिप्रोडक्टिव क्या कहते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में पूछा जरा, तो इनग्वाइनल ग्लैंड नहीं है और मशरूम शेप ग्लैंड नहीं है और गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का यहाँ पर क्या काम है, तो आंसर क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, देर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, क्या कहते हैं उसको, सर्टोली सेल्स कहते हैं, इसका काम क्या होता है, क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कोड, जर्मिनल सेल्स, प्रोटेक्टिव सेल्स, सॉरी इसका नेचर क्या है, या फिर क्या कहते हैं कौन सा सेल है ये, स्पर्मेटिक सेल्स है, सोमेटिक सेल है, या जर्मिनल सेल है, प्रोटेक्टिव सेल्स है, या फिर रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, तो हम क्या कहेंगे इसमें, ये प्रोटेक्टिव सेल्स है, क्या है, प्रोटेक्टिव सेल्स है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट भी करता और नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड करता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 आया, इन मेल क्रिप्टोटिज्म क्या है, तो क्रिप्टोटिज्म कंडीशंस क्या है, ये कंडीशंस को क्या कहते हैं, जब मेल का टेस्टिस क्या होता है एब्डोमेन से, अगर टेस्टिस में स्क्रोटल सैक में डिसेंड नहीं होता, यानी कि अनडिसेंड टेस्टिस भी कहते हैं, अनडिसेंड टेस्टिस, यानी टेस्टिस का डिसेंड होने से वंचित हो जाना, मतलब टेस्टिस डिसेंड ही नहीं हो पाता है स्क्रोटम में, यानी एब्डोमेन से बाहर ही नहीं निकल पाता टेस्टिस को, ऐसे इस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोर्पिडिज्म कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटल, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अनदर नेम फॉर बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड, दूसरा नाम क्या होगा बल्बो यूरेट्रल ग्लैंड का, अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे, वो क्या होगा, कॉपर्स ग्लैंड होगा, यानी कॉपर्स ग्लैंड होगा। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थैंक यू। तो गाइस ऐसे लेक्चर के लिए, ऐसे अच्छे क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप हमारे चैनल का पेज फॉलो कर सकते हैं और हमारा इंस्टाग्राम @ क्या कह सकते हैं, संजीत बैल SBW संजीत, ठीक, इसके नाम से आप फॉलो कर सकते हैं, आपको बायो में लिंक दिया हुआ दोनों चीज़ का। सो गाइस वेरी वेरी थैंक यू, ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहें और पूरा लेक्चर देखें, थैंक यू।